नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सो यूके स्टूडेंट वीजा पे जो जाना चाहते हैं, जो स्पाउस पे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शो ये होने वाला है। सो यूके प्रेजेंटली मैं बता दूं कि जो एडमिशन वाले उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है, जो स्पाउस पे जाना उनके लिए भी अपडेट। सो दोनों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप शो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। और जिन्होंने भी यूके का स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन अभी स्टार्ट करनी है, सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, आप वीजा ऑफिस की टीम को कॉल कर सकते हैं 9041090410 इस नंबर के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सो सबसे पहले मैं बता दूं एडमिशन की जो अपडेट है, एडमिशन के लिए आपके पास सिर्फ एक वीक का टाइम बचा है। नेक्स्ट वीक जो आ रहा है, जो कमिंग वीक है, वही एक वीक है जिसमें यूके का एडमिशन सिस्टम चलना है फॉर सितंबर इनटेक। अगर आपने मिस कर दिया तो आगे चल के यूनिवर्सिटी की अपडेट आ चुकी है कि आईएलटीएस की कंडीशन लगा रही है बहुत सी यूके की यूनिवर्सिटी। अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि ये बाद में इंप्लीमेंट रूल होना है। तो यहाँ पे विदाउट आईएलटीएस इसने जाना है, चाहे ग्रेजुएशन की है, प्लस टू की है। ग्रेजुएशन की है तो आप विद स्पाउस जा सकते हैं, प्लस टू की है तो आपको बैचलर मिलेगा लेवल 6, ग्रेजुएशन की तो लेवल 7 मिलेगा जिसमें स्पाउस भी एलिजिबल है। तो जिन्होंने स्पाउस पे जाना है, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, उनके स्पाउस आते हैं कि हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया, क्यों? क्योंकि स्पाउस वहां बैचलर कर रहा है, मेन एप्लीकेंट। तो वेरी ऑब्वियस है कि लेवल 6 की स्टडी पे स्पाउस वीजा नहीं लगना। आप अपना 40,000 की बेसिक फीस भी वेस्ट करवाते हो ऐसी एडवाइस लेके। अगर आपने स्पाउस वीजा लगाना है, आप वीजा ऑफिस की टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर लगना होता है हम तभी गाइड करते हैं कि यस आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि नहीं लगना हम सिंपल मना कर देते हैं। सो जिसने स्पाउस भी लगाना है राइट नाउ, वही ऑब्जेक्शन लग रहे हैं कि मैरिज जेन्यू नहीं है, तो मेरी एडवाइस है जिसने भी स्पाउस वीजा लगाना है कंसल्टेंट सोच समझ के चूज करें। आपके कंसल्टेंट गलतियां कर रहे हैं, आपको पूरी तरह से गाइड नहीं कर रहे। मैरिज की ऑब्जेक्शन लग रही है वो गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैरिज के प्रूफ लगाएं, आप पासपोर्ट पे नाम चढ़वाएं सबसे पहले, मैरिज का सर्टिफिकेट लगाएं, फोटोग्राफ लगाएं, चैट हिस्ट्री लगाएं, आप मैरिज के कार्ड लगाएं, मैरिज की फोटोग्राफ लगाएं, इतने सारे डॉक्यूमेंट है तो जितने मैक्सिमम हो सकता है 4 से 5 डॉक्यूमेंट जरूर लगवाएं। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पे रेगुलर देखने के लिए मिलती है। और अगर आप एडमिशन को लेके डिटेल में जानना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले की मेरी वीडियो देख सकते हैं। स्पाउस वीजा को लेके जो आपके डाउट आते हैं, क्या केस है, रिफ्यूजल क्यों आ रहा है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मेन एप्लीकेंट का इंटरव्यू आता है स्टूडेंट का, क्या इकट्ठे स्पाउस अपनी फाइल लगा सकता है मेन एप्लीकेंट के साथ, तो वहां पर मैं आंसर कर दूं अवॉइड करें। इंटरव्यू के चांस बढ़ जाते हैं अगर इकट्ठे फाइल लगाते हैं, स्पाउस चला जाए उसके बाद ही फाइल लगाएं। सो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे आती रहती है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीजा एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए, स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन लगाने के लिए या स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन लगाने के लिए आप वीजा ऑफिस की टीम को 9041090410 पे कॉल कर सकते हैं। सो आज के लिए ज्यादा चाहेंगे, नमस्कार।